Hello, what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about some error in GitHub. जी हाँ guys, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक जब हम एक प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहे होते हैं अपने GitHub अकाउंट में, तो वहाँ पर जो है guys एक एरर जो आपको फेस करना पड़ता है, उस एरर से कैसे निपटेंगे, तो चलिए guys शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिए, हमारे पास जो एरर है वो इस टाइप का एरर है। आपने गिट पुश किया, यू ओरिजिन मास्टर, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आप फाइल जो है आपकी अपलोड नहीं हो रही। जबकि गाइस आपने जो अकाउंट है, पहले आपने चेंज किया फिर दूसरा अकाउंट, ठीक है, तो ये एरर आ सकता है आपको, ठीक है। तो खैर अब इसको क्या करना है, मीन के पहले आपका एक अकाउंट था और उसके बाद फिर आपने उस अकाउंट चेंज किया और उस अकाउंट में आप डाटा अपलोड कर रहे हैं, तो उसके अलावा फिर वो आउट डिनाइड कर रहा है। और आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है, अपने मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, आपने जाना है क्रेडेंशियल मैनेजर में, ठीक है, और इसको ओपन करना है और विंडो में जाना है आपने यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गिट लैब, हमारा गिट हब है, तो गिट हब गिट हब गिट हब गिट लैब है ये गिट हब, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इससे को ये रिमूव कर देना है, ठीक है, और यस ओके। तो सिमिलरली गाइस मैं इनको भी रिमूव कर देता हूँ, ओके रिमूव इट, ओके गिट लैब को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, खैर इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं रिमूव कर रहा हूँ गिट हब। अब ये जो है गाइस, अगर मैं अब इसको करूँ यहाँ पर, इसको कर दूँ चेक के, इसको भी कर दिया मैंने ऐसे, और अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर गिट रिमोट ओके ओरिजिन, अब इसको गिट पुश करूँ मैं, पुश और माइनस यू लाइक ब्रिज, ठीक है, और यहाँ पर जो गाइस हम लिखेंगे ओरिजिन, ठीक है, और किसको मास्टर को, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि गिट पुश कर दो इस ब्रिज के थ्रू ओरिजिन पर मास्टर को, यानी मास्टर को इस ब्रिज के ज़रिए ले जाओ ओरिजिन पर। ओरिजिन क्या है, हमारा मेन के गिट हब अकाउंट जो वहाँ पर, ठीक है, ग्लोबली इसको अपलोड कर दो हमारी लोकल ऐप को, ठीक है। अब मैं इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पर जो है हमें एक लॉगिन करेगा यूज़र नेम एंड ईमेल, तो यहाँ पर गाइस मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा अपना यूज़र नेम, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बिलाल 7755 एंड गाइस यहाँ पर जो है मेरा जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ इंटर करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड और ओके पासवर्ड लॉगिन, तो लॉगिन होने जाने के बाद गाइस जो हमारी फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। तो गाइस ये था हमारे पास एक मेथड, देखें इसलिए सिमिलरली हमारी जो फाइल है वो इजीली अपलोड हो सकती है। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही कि हम इस एरर से कैसे निपट सकते हैं, ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप थे, आप इनको फॉलो करके अपनी जो प्रॉब्लम से रिलीज हो सकते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। My appetite, don't leave me high and dry.